तुलसी समस्तंकर प्रिय। भारतर प्राय सबु भाषारे तुलसी शब्द अविकल रहिछि। अल्प केतक स्थानरे उच्चारणरे हुए तो तुलसी थुलसी होइ जायछि। सबु भाषार एक समन्वय शब्द तुलसी। दारु ब्रह्म देवता श्री जगन्नाथंकर प्रिय तुलसी। नमस्कार, आपण माने सुनुछन्ति जगन्नाथ संस्कृतिरे तुलसी। एही रचनाटी सुकांत किशोर महांतिंकर रचित पुस्तक नीलाद्रिशंक लीलाखेलार चतुर्थ अध्याय। तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुंदुके नवा विक्रीणिते समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी को इंग्रजी रे साक्रेड बासिल बा होली बासिल कहते। यार वैज्ञानिक नाम ओशिमम सांगटम। तुलसी लामियसी वंशर अटे। भारतीय धर्म और संस्कृति रे तुलसी अंगांगी भावे जड़ित। तुलसीर अन्य नाम विष्णुप्रिया बल्लभा। प्रति घर सामनारे तुलसी चौरा। पुराण जुगर कथा अनुसारे भगवान श्रीहरि तांकर अनन्य आराधिका वृंदावती को तुलसी वृक्ष रूपरे प्रति घरे पूजा पाइबार आशीर्वाद प्रदान करथिले। तुलसी विष्णुंकर अत्यंत प्रिय। सामान्य दलटिए मध्य कृष्णंक ठारु गुरुतर होइथिबा पुराण आख्यायिकारु जणा पड़े। तुलसी सर्वधर्म समन्वयर प्रतीक। नवकळेवरर दारुब्रह्म जगन्नाथ महाप्रभुंकर सबुठारु प्रिय। श्रीमंदिररे जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रत्येक कार्यरे महात्म्य लाभ करथिबा सबुठारु प्रिय हेला तुलसी। बिना तुलसी रे जगन्नाथंक भोग असंपूर्ण। नवकळेवर रे दारुब्रह्मंकर समस्त कर्म विभिन्न बेश अंगभूषण साजसज्जा पूजा आदि रे तुलसी सर्वाग्रे आवश्यक। तुलसी बिना कौनसी कार्य पूर्णांग लाभ करि पारे नाही। जगन्नाथ महाप्रभुंक नवकळेवर वर्षमानंकरे घट परिवर्तन करा जाए। उक्त घट परिवर्तन समय रे तुलसी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे। कथित अछि नवकळेवर समय रे जेउ ब्रह्म तुलसी दल सहित दारुंक ब्रह्मस्थल रे रखा जाय थाए परवर्ती नवकळेवर पर्यंत सेही तुलसी ब्रह्मंक सहित सतेज रही थाए। नीतिदिन प्रभुंक मंगल आरती आरंभ हुए तुलसी को नहीं। बड़सिंहार शेष हुए तुलसीर माला सहित। तेणु तुलसी ओ श्रीजगन्नाथ ओतप्रोत भावे जड़ित। प्रभुंक चरणामृत जहाँ सेवन करती लक्ष लक्ष भक्तवर्ग। यह हेउची सेही तुलसी जल जहाँ पाई समस्ते निजकु धन्य मन करती। पुरी जगन्नाथ मंदिर बेढ़ा व मंदिर परिसर मध्य तुलसी उद्यान अत्यंत मनोरम जहाँ परिवेश और वायुमंडल को प्रदूषण मुक्त करिवार सक्षम। लक्ष लक्ष यात्री समागम हेले मध्य एहा वायुर शुद्धता को समतुल कर रखि थाए। जेकोसी हानिकारी बीजाणु संख्या वृद्धि को तुलसी पराहत करे। आज भी पुरीर विभिन्न मठ और धर्मशाला मानक तुलसी बगिचा थिबारु एहा परिवेश को संतुलित करुअछि। वृंदावती बा चौरारे तुलसी को रोपण करा जाय थाए। एहाकु केही केही वृंदा नामरे अभिहित करथुवा हेतु जगन्नाथ विष्णुंकर एक अवतार द्वापर युगरे श्रीकृष्णंकर लीलाभूमिर नामकरण वृंदावन करा जाय अछि। तुलसी को प्रति अगणारे पूजा पाइबार महात्म्य को अनुसरण करी पद्मपुराणर वर्णना को अवतारणा करा जाय परे। जलंधर नामक महापराक्रमी राक्षसर वृंदा नामक पत्नी थिले। उक्त जलंधर को बध करिबा पई जलंधर और शिवंक मध्यरे घमाघोट युद्ध होइतिला। मात्र जलंधर बध असंभव होइ पड़िला कारण तांकर पत्नी वृंदा अति मात्रा रे पतिपरायणा थिले। शेषरे विष्णु जलंधरंक छद्म रूप ग्रहण करी वृंदांकर सतीत्व अपहरण करथिले जद्वारा जलंधर बध संभवपर होइतिला। वृंदा एहा जानी परी श्री विष्णुंक अभिशाप देथिले। एही कहानी रही अछि। तापर ठारु तुलसी बा वृंदावतींकर महात्म्य अधिक भावरे परिलक्षित होई प्रत्येक अगणारे वृंदावती भावरे पूजा पाई आसुछंती।
तुलसी वृक्ष संपूर्ण भाव औषधीय गुणयुक्त जहाँकि जगन्नाथ संस्कृति सह जोड़ी दि जाए आम मानक यार अधिक निकटवर्ती तुलसी रासायनिक तत्व है फिनल आल्डिहाइड टानिन सापोनिन एवं फैट तुलसी पत्र रे आस्क्रोबिक अम्ल एवं कारोटीन मध्य थाए तुलसी परिवेश और वातावरण को शुद्ध पवित्र और प्राणशक्ति संपन्न करिथाए एथिरे एक प्रकार वोलाटाइल तैलांश थिबारु एहा सर्वदा वायुमंडल को जीवाणुमुक्त रखिपारे और केतक भाइरस जनित रोगरु रक्षा करिथाए प्रतिदिन तुलसी सेवन करने द्वारा यह रक्तर कोलेस्ट्रॉल मात्रा कमाइबारे साहाज्य करे तुलसी को बासना अतर आदि कॉस्मेटिक पदार्थ प्रस्तुति मध्य व्यवहार करा जाए थाए संक्षेप कहवाक गले जीवाणु और जीवाणुनाश गुण से भरपूर तुलसी सूक्ष्म शक्ति सात्विकता सरलता और कोमलता सानिध्य द्वारा ही मिली थाए आम मैंने तुलसी माला को पिंधिबा द्वारा आम मनर दुर्भावना और हानिकारक स्वप्नर विराम मिलता है। यह द्वारा मनरे पवित्रता भाव अनुभव करिहुए तुलसी जल सर्वदा सेवन कले क्रोध को संवरण करिबारे एहा साहाज्य करिथाए पंचामृत सहित तुलसी सेवन कले मनुष्यर स्वर मधुर हेबा संगे संगे व्यक्ति नम्र और विनयी होइथाए अथर्व वेद अनुजाई कला तुलसी सेवन मनुष्यर स्वरूप को सुंदर करिबा सहित धला बा फूल छौ दाग गुड़िकर शरीर को मुक्त करिथाए तुलसी जगन्नाथ प्रिय होइथिबारु एहार बहुल चाष नितांत आवश्यक यह मंजी द्वारा वंश विस्तार करिथाए साधारणतः वर्षा ऋतुर प्रारंभ तथा जुलाई मासरे तुलसी चारा रोपण करा जायथाए वस्तुतः सर्वगुणर अधिकारी तुलसी चाष आज समाज पई निहाती जरूरी तुलसी महाप्रभु जगन्नाथंकर अत्यंत प्रिय नवकलबर वर्षरे ओडिशारे तुलसी चाष को अधिक ध्यान दे बहुल भावरे आरंभ करा जायछि यहा जगन्नाथ महाप्रभुंक कामरे लागिबा सहित राज्यर परिवेशक सजाड़िबो समस्तंकु सुस्थ रखिबारे सहायक हबो तुलसी फुलर मृदु सुगंध मनकु प्रफुल्लित करिथाय मनरे सात्विक भावना भरि देइथाय आपण माने सुनिले सुकांत महांतिंक रचित नीलाद्रिशंक लीलाखेला पुस्तकर चतुर्थ अध्याय जगन्नाथ संस्कृति रे तुलसी एही पुस्तकटी को कटकस्थ श्रीमा प्रकाशनी प्रकाश करिछंती।